आज ये तय हो गया कि एम्स दरभंगा में नहीं बनेगा। साफ तौर पर माननीय अमित शाह जी ने कहा कि दरभंगा एम्स नहीं बनेगा। अब अंतरराष्ट्रीय मिथिला परिषद, मिथिला राज्य निर्माण सेना, संयुक्त मिथिला राज्य संघर्ष समिति, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोग धरना पर बैठे हुए थे। सहकारिता मंत्री अमित शाह बिहार के झंझारपुर में आए और झंझारपुर में जो बातें कही हमारी पार्टी के प्रवक्तागण बताएंगे, लेकिन ये कितने दोहरे चरित्र के लोग हैं इससे बातों को समझना, इनके भाषण से सुन करके मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बाकी जगहों पर ही नारा लगाएंगे जय श्री राम, लेकिन ये मिथिला की धरती है, सीता मैया की धरती है, तो यहां इनको बोलना पड़ा सिया राम। अयोध्या में तो अलग करवा दिया, भगवान राम और सीता को अलग अलग कर दिया, तो दूसरे जगह पर जय श्री राम बोलते हैं, यहां सिया राम बोलने की जरूरत इनको क्या पड़ गई? यह सवाल मेरा माननीय अमित शाह जी आपसे है। ये मिथिला की धरती है, आपने प्रभु श्री राम से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जगत जननी सीता को अलग करने की साजिश किया। अब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है माननीय न्यायालय के निर्देश से, तो सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जगत जननी सीता का जो विकास का मापदंड तय हुआ और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 74 करोड़ 47 लाख रुपए इसके लिए दिए, अगर जगत जननी सीता के प्रति आप ईमानदार थे, बाढ़ की समस्या को लेकर के कहा कि कुंभकर्ण की विद्या छोड़ी है, लज्जा नहीं लगता है अमित शाह बोलने में? झूठ पे बेशर्म है आप, राजनीति के बेशर्म व्यक्ति हो गए हैं। 4 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेपाल गए थे, वीडियो क्लिपिंग है मेरे पास, आपने ये वायदा किया था बिहार की जनता से कि बाढ़ की समस्या का स्थायी निदान कर देंगे, 4 बार गए। आप विश्व के अपने आप को शक्तिशाली प्रधानमंत्री मानते हैं तो हाई लेवल डैम बनाने पर सहमति हो गई। राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार केंद्र से अनुरोध कर रहे हैं कि भाई इसके लिए आप पहल करिए, आप पहल नहीं करते, जाते हैं वहां बिहार के लिए। जब इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय को विश्वविख्यात बना दिया, अब आप ही लोग बताइए नालंदा विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री के आने के बाद बना, इस बात का ये प्रश्न आप सभी मीडिया बंधुओं से है कि क्या प्रधानमंत्री के आने से पहले आप लोग नालंदा विश्वविद्यालय एकदम नाकाबिल? गृह मंत्री 2021 के नेशनल क्राइम ब्यूरो के डेटा के बाद पूरे तौर पर अब तक के इन्होंने डेटा भी नेशनल क्राइम ब्यूरो का जारी नहीं किया। इस सहकारिता मंत्री है, सहकारिता मंत्री अमित शाह बिहार के झंझारपुर में आए और झंझारपुर में जो बातें कही हमारी पार्टी के प्रवक्तागण बताएंगे, लेकिन ये कितने दोहरे चरित्र के लोग हैं इससे बातों को समझना, इनके भाषण से सुन करके मुझे इस बात का एहसास हुआ कि बाकी जगहों पर ही नारा लगाएंगे जय श्री राम, लेकिन ये मिथिला की धरती है, सीता मैया की धरती है, तो यहां इनको बोलना पड़ा सिया राम। अयोध्या में तो अलग करवा दिया, भगवान राम और सीता को अलग अलग कर दिया, तो दूसरे जगह पर जय श्री राम बोलते हैं, यहां सिया राम बोलने की जरूरत इनको क्या पड़ गई? यह सवाल मेरा माननीय अमित शाह जी आपसे है। ये मिथिला की धरती है, आपने प्रभु श्री राम से, मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जगत जननी सीता को अलग करने की साजिश किया, लेकिन मिथिला की धरती है, आपको लगा कि अगर ऐसा करेंगे
तो उल्टा भागना पड़ेगा, उल्टे पैर भागना पड़ेगा। तो सिया राम बोल रहे हैं। अब चलिए, अब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है माननीय न्यायालय के निर्देश से, तो सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में जगत जननी सीता का जो विकास का मापदंड तय हुआ और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 74 करोड़ 47 लाख रुपए इसके लिए दिए, अगर जगत जननी सीता के प्रति आप ईमानदार थे, अगर राम और सीता की जोड़ी को आप मानते हैं कि सनातन धर्म की एक ऐसी जोड़ी जो आम लोगों को प्रेरित करती है, तो जगत जननी सीता के मंदिर बनाने के लिए इनके खजाने में 1 रुपया नहीं है, 1 रुपया नहीं। इसलिए कि जगत जननी सीता के प्रति आपका नजरिया सही नहीं है, ये सीधा आरोप मेरा है। नहीं तो आज तो आप बोलते कि भाई हम भी पुनौरा धाम के विकास के लिए केंद्र सरकार ने यह काम करेगी, करना ने करना तो नहीं है आपको रहता है, लेकिन मुंह से छुरछुरी पड़ाका छोड़ते हैं, हम ही काम कर रहे हैं जैसे कर देते थे आप, तो भी नहीं किए। दूसरा सवाल है कि आज ये तय हो गया कि एम्स दरभंगा में नहीं बनेगा, साफ तौर पर माननीय अमित शाह जी ने कहा कि दरभंगा एम्स नहीं बनेगा। अब अंतरराष्ट्रीय मिथिला परिषद, मिथिला राज्य निर्माण सेना, संयुक्त मिथिला राज्य संघर्ष समिति, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोग धरना पर बैठे हुए थे, धरना पर 4 दिन से, उनकी सुधि नहीं लिए, उनकी जरूरत उनको नहीं थी, और आदरणीय अमित शाह जी किसको देखने के लिए कह रहे थे, अरे नरेंद्र मोदी के लिए दीजिए, इसरो के वैज्ञानिक बोला है वहां तुम्हें दूरबीन झुका दिए कि वहां तो बन गया, आप तो सहकारिता मंत्री हैं, आप सहकारिता मंत्री हैं, इसका एहसास है ना आपको, तो नरेंद्र मोदी जी ने तो उसका उद्घाटन कर दिया था, कहा खुल गया, वहां उनको दूरबीनवा दे रहे ना इसरो से मांग करके कहते कि जरा इसको देख लीजिएगा ठीक से, वहां पर अमित शाह जी आए थे 40-45 किलोमीटर तक था और बहुत दूर था, जाकर के देख लेते तब आपको भविष्य में तंत्र मंत्र की धरती है मिथिला, तो आप गुफा के अंदर में रहने में सुविधा होता ना, वहां इलाज उलाज भी हो रहा है आपके नजरों में। तीसरा पॉइंट मेरा है कि बाढ़ की समस्या को लेकर के कहा कि कुंभकर्ण की विद्या छोड़ी है, लज्जा नहीं लगता है अमित शाह बोलने में, झूठ पे बेशर्म है आप, राजनीति के बेशर्म व्यक्ति हो गए हैं। 4 बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेपाल गए थे, वीडियो क्लिपिंग है मेरे पास, आपने ये वायदा किया था बिहार की जनता से कि बाढ़ की समस्या का स्थायी निदान कर देंगे, 4 बार गए, वहां कार्यालय खुला हुआ है, G20 का श्रेय ले रहे हैं, तो अब तक हाई लेवल डैम बनाने के बारे में जो सहमति बनी माननीय उच्च न्यायालय पटना के लोकहित याचिका में, यह कहा गया कि केंद्र सरकार इसमें कमेटी बनाए और इसके पूर्व ही वहां कार्यालय खुला हुआ है, 4 बार प्रधानमंत्री गए, तो मंत्र पढ़ रहे थे क्या, वहां मंत्र सीख रहे थे, चिंता नहीं हो रही थी बाढ़ का, वहां के आदरणीय प्रधानमंत्री जी से क्यों नहीं विमर्श किया, आप विश्व के अपने आप को शक्तिशाली प्रधानमंत्री मानते हैं, तो हाई लेवल डैम बनाने पर सहमति हो गई, राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार केंद्र से अनुरोध कर रहे हैं कि भाई इसके लिए आप पहल करिए, आप पहल नहीं करते, जाते हैं वहां, जाने के बाद भी आप नहीं करते, इसका मतलब सीधे तौर पर है कि आपको कोई लेना देना नहीं है, बाढ़ की समस्या का कोई स्थायी निदान निकले यह आपकी चिंता का विषय नहीं है। कुंभकर्ण की निद्रा में तो मोदी जी को सुला दिए, बेचारा गुफा में जाते जाते आंखें बंद हो जाता है इनका, नेपाल जाते जाते इनका आंखें बंद हो जाता है, बाढ़ की समस्या से इनका कोई लेना देना ही नहीं रहता है। तो हम यह जानना चाहते हैं कि आपने
और हमने क्या किया है बाल के लिए? तो 36वां दिन है, इस पर कुछ नहीं क्या कह गया। आके स्टेट के लॉ ऑर्डर पे बोल के जा रहे थे, मंजीत भाई के हाथ में देख लीजिए किस तरह से कितने ये लोग संवेदनाहीन है कि दो एक दिन नहीं दो दिन प्रधानमंत्री ने हमारे जवानों के शहीद होने के बावजूद अपने पर पुष्प वर्षा कराई। एक दिन आपने दिल्ली में देखा और दूसरे दिन भी देख रहे हैं। और G20 की बात जो ये कह रहे हैं, इस G20 का असलियत देखिए यहाँ पे है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने साफ कहा है कि हम लोग को दिल्ली में बोलने नहीं दिया गया है। और दूसरी बात उन्होंने कही है कि वियतनाम में जाकर उन्होंने कहा कि हमने प्रधानमंत्री को कहा कि प्रेस के मुक्ति पर और ह्यूमन राइट्स पे आपको सतर्क रहना चाहिए। ये चारों बिंदु हैं। यहाँ आए थे हमारे गृह मंत्री, इन बिंदुओं पर उन्होंने क्यों नहीं कहा? एक दफो को फर्जी रूप से कह रहे हैं कि G20 इतना सक्सेस था, तो इस पे क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? इन मौलिक विषयों पे भी उनको बात करना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने कहा जिस प्रयास से माननीय मुख्यमंत्री के प्रयास से मखाना को जीआई टैगिंग हुआ, आप सबको मैं ये बात बता दूं, जीआई टैगिंग पेटेंट से रिलेटेड कानून है जो हमारे संविधान में यूनियन लिस्ट में 49वें नंबर पर यूनियन के साथ है। मतलब कि उसके संदर्भ में भारत सरकार को निर्णय लेना है, लेकिन बिहार सरकार ने जब अपने अनुशंसा को भेजा तब यह निर्णय लिया गया, लेकिन ये मखाना को भी अब ये लोग अपना ही बता दिए। और मखाना अनुसंधान केंद्र का स्थापना तो कब का हम लोगों ने किया, और उसके बाद जीआई टैगिंग के लिए दिया हम लोगों ने, और हमारे उच्च सरकार के अनुशंसा पे भारत सरकार से मिला, ये उनके ऊपर संविधान से उनको दिए गए शक्तियों से मिला है, ना कि उनकी कृपा दृष्टि से। इसके अलावा आज बहुत ही शेमफुल बात हुआ बिहार के लिए, जब इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने नालंदा विश्वविद्यालय को विश्वविख्यात बना दिया। अब आप ही लोग बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय प्रधानमंत्री के आने के बाद बना, इस बात का ये प्रश्न आप सभी मीडिया बंधुओं से है कि क्या प्रधानमंत्री के आने से पहले आप लोग नालंदा विश्वविद्यालय था कि नहीं था, आप लोगों ने नाम सुना था कि नहीं सुना था, ये बात आप लोग इस बात को रखिए और बताइए कि किस तरह से बिहार की स्मिता को ये तार तार कहते हैं और ये बार बार दिखाते हैं कि इनको बिहार से और बिहारी से एक पैसा का मतलब नहीं है, सिर्फ राजनीति के लिए बिहार आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।